हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जल्दी से मुझे बता दो क्या मेरी आवाज और क्या जो मैं बोल रही हूँ वो मैच कर रहा है वॉइस मैच कर रही है मुझे जल्दी से बता दिया करो तो मैं अपने कुछ सेशंस में देख रही हूँ कि वॉइस मैच नहीं होता है है ना स्टार्टिंग में ही बता दिया करो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं ठीक करा दूंगी ठीक है गुड इवनिंग मधुरिमा विनय शरद बरखा एवरी वन गुड इवनिंग जल्दी से सेशन को से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स अपने बैचमेट्स के साथ ठीक है ताकि सभी आ जाए अच्छे से पढ़े क्योंकि ग्रुप स्टडीज ज्यादा अच्छी होती है है ना सेशन को लाइक कर दो वो तुमने कर ही दिया यार इक्वल है लाइव और लाइक वेरी नाइस ठीक है अब तुम्हें भी याद रहने लग गया है सो यहाँ पर छह बजे उड़ान क्लासेस होती हैं जहां पर आपका एंटोमोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग सीड साइंस बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे फोकस किया जाता है अभी आप एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हो ठीक है बहुत जल्दी जो है वो आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है जेनेटिक्स ब्रीडिंग सीड बायोटेक्नोलॉजी सबके करोगे क्योंकि अभी आप एग्जाम्स देख रहे हो लेटेस्ट इफको का ही ले लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आए थे तो उसी को उसको भी करेंगे ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है आपकी अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल ऐप का प्रीव्यू ठीक है जिसका लिंक आपके सामने दिया हुआ है यहां पर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है अगर आप इंस्टॉल करते हो इस एप्लीकेशन को आपको कुछ क्वाइंस मिलते हैं उन क्वाइंस को आप यूज कर सकते हो हमारे किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के थ्रू फ्री ऑफ आप कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स पता चलेंगे आपको कोई भी वैकेंसी आ रही है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज आप अटेंड कर सकते हो इन क्विजेज को अटेंड करने के भी आपको क्वाइंस मिलेंगे तो आराम से पढ़ो भी क्वाइंस भी इकट्ठे करो और डिस्काउंट भी ले लो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना अभी हमारी टू थर्टी के की फैमिली हो गई इस फैमिली को हमें और बड़ा करना है ठीक है और वो कैसे होगा जल्दी से शेयर करो है ना इस चैनल को और फैमिली को बड़ा करो गुड इवनिंग विद्रेश नरोत्तम मृत्युंजय दामिनी सुनैना एस डी यादव साहिल पल्लवी बाकी ऊपर चले गए चलो अब पढ़ते हैं अभी जो आंसर देंगे उनका करेंगे है ना सेल डिवीजन का आपका क्लास होगा पे ठीक है बैच वैच की बात पेड़ बैच की बातें नहीं करें यहां पे यूट्यूब की बातें करें लास्ट में करेंगे बैच की बातें चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज एब्सेंट इन इनकम्प्लीट मैटामॉरफिस इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस में कौन सी स्टेज एबसेंट होती है ऑप्शन आर नंबर ए एग नंबर बी लार्वा नंबर सी प्यूपा नंबर डी एडल्ट सो शरद नरोतम दामिनी इनका आंसर सबसे पहले आए टॉप थ्री एंड द राइट आंसर इज प्यूपा वेरी नाइस दामिनी सुनैना अब थोड़ा सा डिस्कस कर लें ये है एग जब एग हैच होता है तो लार्वा बनता है इस लार्वा के भी बहुत इंस्टार्स होते हैं छोटा लार्वा, लार्वा बड़ा लार्वा बड़ा लार्वा ऐसे ऐसे करके उसके बाद बनता है प्यूपा ठीक है प्यूपा है ये ठीक है उसके बाद बनता है एडल्ट, ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है ठीक है जहां पर ये चारों स्टेजेस होती है एग लार्वा प्यूपा एडल्ट उसे कहते हैं कि इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फिस है कंप्लीट और अगर उसमें से ये प्यूपल स्टेज मिसिंग हो और एग के बाद लार्वा हो लार्वा के बाद जो है सीधा जो है वो एडल्ट आ जाए ठीक है एडल्ट आ जाए तो इन तीन स्टेजेस को बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामोर्फिसिस अब ये मैटामोरफिस होती क्या है देखो मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉरफिस का मतलब होता है फॉर्म तो देखो पहले इसकी फॉर्म ऐसे गोल गोल थी फिर इसकी शेप और फॉर्म बदल गया फिर इसका शेप फिर से बदल गया और फिर इसका शेप फिर से बदल गया तो ये जो फॉर्म में स्ट्रक्चर में बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे इंसेक्ट ग्रो कर रहा है इन सब स्टेजेस के ऑल टूगेदर क्या कहते हैं इन चेंजेस को मेटामॉरफिसिस अब ये के क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं पहला तो यही बन जाता है जो मैंने आपको कराया इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? Broadly तो भाई ये दो ही होते हैं कंप्लीट या इनकम्प्लीट लेकिन इनकम्प्लीट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं ठीक है अ मेटाबोलस या अमेटाबोला ठीक है ये एक ऐसी मेटामोर्फिस का टाइप है जहां पर कोई फॉर्म में शेप में चेंजेस ही नहीं आते हैं जैसे हम ह्यूमन होते हैं ना ऐसा तो नहीं होता है छोटे होते हमारी पूंछ नहीं होती है बड़े होते हमारी पूंछ आ जाती है या छोटे होते हमारे पंख नहीं होते हैं बड़े होते ही पंख लग जाते हैं है ना वैसे कईयों को लग जाते हैं पंख लेकिन वैसे तो नहीं लगते ना शेप में और बॉडी में पंख नहीं लगते हैं ठीक है थीके? दिमाग में ही उनको लगता है पंख लग गए हैं ठीक है अमेटाबोलम में ओनली सिर्फ क्या होता है साइज इंक्रीज होता है साइज इंक्रीज होता है एंड नो चेंज इन स्ट्रक्चर नो चेंज इन फॉर्म फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है जैसे सिल्वर फिश है जैसी छोटी सिल्वर फिश होती है वैसे ही बड़ी सिल्वर फिश होती है बस उसका साइज बड़ा 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 होता जाता है दैट इज कॉल्ड अ अमेटाबोलस और इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश ठीक है तो पूछा जाता है अ मेटाबोला कौन सा है सिल्वर फिश ठीक है सेकेंड क्वेश्चन आता है हैमी मेटाबोला हैमी मैटाबोला इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं ठीक है लेकिन पूरे तरीके से नहीं आते हैं इसमें थ्री स्टेजेस होती है दैट इज एग देन निम्फ एंड देन एडल्ट है ना एडल्ट अब बेसिकली ये किसमें होता है ये होता है ड्रैगन फ्लाई में ये जो हैमी मेटाबोला है, हैमी मतलब आधा ये होता है किसमें ड्रैगन फ्लाई में ड्रैगन फ्लाई में होता क्या है जो ड्रैगन फ्लाई के लार्वाज होते हैं यानी ड्रैगन फ्लाई जब छोटू होता है तो वो एक्वाटिक होता है वो पानी में रहता है ठीक है जो छोटे ड्रैगन फ्लाई होते हैं यानी ड्रैगन फ्लाई के जो लार्वा होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं यानी पानी में रहते हैं जैसे ही बड़े हो जाते हैं उड़ जाते हैं पानी से और फिर उड़ने लगते हैं ठीक है और इनके लार्वा को कहा जाता है नाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइड कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को जो एक्वेटिक होते हैं, एक ए आगे एक ए पीछे एन ए आई ए डी एस ये होती है spelling. ठीक है अब एक और टाइप ऑफ मेटामोस होती है जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं पारो पारो पारोमेटाबोला या बोलस ठीक है पारो का मतलब होता है धीरे धीरे है ना ग्रेजुअल तो यहां पर बहुत ही छोटे छोटे ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ठीक है धीरे धीरे क्या होते हैं चेंजेस आते हैं इन सब में थ्री स्टेजेस होती है क्योंकि पारो मेटाबोला हैमी मेटाबोला जो कि बग्स में भी होता है और आपका ये अमेटाबोला ये तीनों क्या होते हैं Meta, uh, जो uh, है उसके टाइप्स इनकलीट मेटामॉर कम्लीट मेटामो किसमें जैसे बटरफ्लाई है या आपका वो है मॉथ्स हैं हैं कुछ बीटल्स है, उन सब में आपकी कंप्लीट मेटामॉर्फिस हो जाती है अब जो कंप्लीट मेटामोर्फिसिस होती है उसे कहते हैं मेटाबोला क्या कहते हैं मेटाबोला तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक इंसेक्ट तो हॉलो का मतलब होता है कंप्लीट तो कंप्लीट मेटामॉरफिसिस किसने होती है बटरफ्लाई में या मॉथ्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं रिलेटेड टू मैटामोरफिस अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट बिलोंग टू ऑर्डर होमोप्ट्रा देखो बहुत सारे ऑर्डर हैं जो इंसेक्ट इंसेक्टेक्सोनोमी में इंपॉर्टेंट होते हैं इंसेक्ट की टेक्सोनोमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जब भी आप इंसेक्ट की टेक्सोनमी की बात करते हैं आपको सबसे पहले तो उसका किंगडम पता होना चाहिए एनिमेलिया, फिर आपको उसका फाइलम पता होना चाहिए जो कि है आर्थ्रोपोडा, फिर उसकी क्लास पता होनी चाहिए, जो कि है इंसेक्टा है ना या हेक्सापोडा, हो गया इतना अब इस हेक्सापोडा क्लास की भी टू सब क्लासेस होती हैं जो कि होती है अटेरीगोटा एंड टैरीगोटा अटैरीगोटा में विंगलेस विंगलेस इंसेक्ट होते हैं जिसमें कोई विंग्स नहीं होते हैं और टेरीगोटा में विंग्ड इंसेक्ट होते हैं जिनमें पंख होते हैं ठीक है ये होगी आपकी सब क्लासेस अब इनमें भी आपके ऑर्डर्स होते हैं अलग अलग भाई जिनमें पंख नहीं होते उनमें फोर ऑर्डर्स होते हैं प्रोटिरा कोलम्बोला है ना थाइसिन ये सब जो है एक किसमें आते हैं अटेरीगोटा में और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है लेपिडॉप्ट्रा और आयोसॉप्ट्रा जहां पे टेरा टेरा है ना लास्ट में वो सारे विंग्ड इंसेक्ट होते हैं था सेनोप्ट्रा ये सारे क्या होते हैं विंग्ड इंसेक्ट्स होते हैं सो so, अगर हेमोप्ट्रा की बात करें तो ये बेसिकली हेमिप्ट्रा के अंडर आता है आपने हेमिप्ट्रा सुना होगा हेमिप्ट्रा को भी फर्दर टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है हेमिप्ट्रा को हेमिप्ट्रा को दैट इज होमोप्ट्रा एंड हेट्रोप्ट्रा Homoptera और हेट्रोप्ट्रा हेमिप्ट्रा के दो वेरिएंट्स हैं अब आपने पढ़ा होगा लीफ ऑपर एफिड बर्ग सारे तो हेमिप्ट्रा में आते हैं लेकिन हेमिप्ट्रा में भी किसके same -same किसके सेम सेम विंग्स विंग्स हैं हैं अलग अलग है, उसके बेसिस पे जो जो आपका बोथ बी एंड सी यानी एफिड और लीफ ऑपर है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा होमोप्ट्रा और जो ट्रू बर्गस होते हैं वो है हेट्रोप्ट्रा ठीक है लिख लो उसको ट्रू बर्ग्स कम्स अंडर हेमिप्ट्रा पर हेमिप्ट्रा के भी कौन से पार्ट में हेट्रोप्ट्रा तो कई बार क्या होता है आप बड़े गए होते हैं बग्स एफिड हॉपर ये सब तो क्या है व्हाइट फ्लाई सब हेमिप्ट्रा में है ऑप्शन में हेमिप्ट्रा आता ही नहीं है ऑप्शन में आता है होमोप्ट्रा हेट्रोप्ट्रा ये वो बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज या कोई और ऑर्डर आ जाएगा तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि मैम ने बताया था जो सरदार है ना बग्स बोलते हैं हेमिप्ट्रा के बग्स वो हेट्रोप्ट्रा होते हैं और जो बाकी छोटू मोटू एफिड्स है हॉपर्स हैं वो सारे होमोप्ट्रा होते हैं ठीक है ठीके? ये ध्यान में रखना हां जी समझ में आ रहा है हाँ हेमनोप्ट्रा और हेमिप्ट्रा में बिल्कुल अंतर होता है हाइमनोप्ट्रा में तो हमारी हनी बीज आती है एंडस आती है वास्प आती है मस्टर्ड सॉफ्ट लाए आती है और हेमिप्ट्रा में बग्स आते हैं एफिड्स आते हैं हॉपर्स आते हैं तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाती रहती हूँ आपको बस बने रहना है और आंसर्स करते रहना है ठीक है बिल्कुल यहां पे आंसर डी हो जाएगा होमोप्ट्रा में लीफ हॉपर और एफिड आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसके अलावा बाकी ऑर्डर्स भी आने चाहिए धीरे धीरे करवाती रहूंगी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन वाह 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 मस्टर्ड सॉ का डिस्कशन हो रहा था और मस्टर्ड सॉफ्लाई का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे है ना हेमनोप्ट्रा का लार्वा ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई जो मस्टर्ड सॉफ्लाई का लार्वा होता है <coughs> उसे क्या कहते हैं देखो मैंने आपको बहुत बार कराया है टाइप होते हैं 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 है है ना मैं नहीं पढ़ती ना मैं पढ़ती बता देती दिख भी रहा है आपको बोलते है। के लार्वा को। बोलते है, बोलते के को या मैगेट बोलते हैं बताओ देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इवन सब के आंसर आ रहे हैं डी 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 सर्वेश गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन सबके अच्छा तुमने अभी लाइक फिर से नहीं किया तुम्हें याद दिलाना पड़ता है तुम मेरे स्टूडेंट हो जैसे मैं भुलक कर ना तुम भी भुलक कर अच्छा इतने क्वेश्चन हो गए अभी इतना एक्सप्लेनेशन हो गया अगर पसंद आया है तो प्लीज यार लाइक कर दो जल्दी से अगर पसंद आया है मैंने बड़े मत अपनी तरफ से मैंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है अगर तुम्हें समझ में आ गई चीजें तो वहां पे दिखाओ लाइक करके ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं अभी बढ़ते हैं आगे चलो तो सबने गलत आंसर किया है बताऊं तुम्हें मैं जस्ट बिकॉज ये मस्टर्ड सॉफ्लाय है है ना तो फ्लाई का जो आपका लार्वा होता है उसे मैगेट्स कहते हैं लेकिन मस्टर्ड्स ऑफ फ्लाई इज डिफरेंट फर्क है ठीक है जो हाउस फ्लाई होती है या फ्रूट फ्लाई होती है उन सब के लार्वा को जरूर मैगेट्स कहते हैं ठीक है ठीके? ये दोनों डिप्टर ऑर्डर से बिलोंग करती हैं इवन जो गोल मिज फ्लाई है गोल मिज फ्लाई मतलब जिसका भी ऑर्डर डिप्ट्रा है डिप डाई मतलब दो दो मिनट में बनती है मैगी ठीक है तो डाइप्ट्रा का मैगी से मैगेट्स ये हो गया अपना कंप्लीट लेकिन अभी अभी तो बोला कि मस्टर्ड सॉफ लाए तो डिफरेंट है ये तो हेमनोप्ट्रा ऑर्डर से आती है ये तो डिप्ट्रा ऑर्डर की नहीं है ये तो हेमनोप्ट्रा ऑर्डर की है तो इसके लार्वा को आप मैगेट्स कैसे बना सकते हो है ना यहां पर एक आंसर सही दिखा है मुझे आकाश का और दूसरा आंसर सही दिखा है मधुरिमा का दैट इज ग्रब है ना यस yes. वैसे तो ग्रब कोलियोप्टर ऑर्डर का होता है लेकिन जो मस्टर्ड सॉफ लाई होती है हेमनोप्टर ऑर्डर से बिलोंग करती है और इसका जो लार्वा होता है उसे ग्रब कहते हैं इट इज एक्सेप्शन हर केस में फ्लाई होके भी फ्लाई होकर भी हेमनोप्टर ऑर्डर की है फ्लाई होकर भी इसका लार्वा ग्रब कहलाता है ठीक है तो ये बहुत स्पेशल है है ना इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है अच्छे से कॉपी पे लास्ट में लिख लो दो चीजें पहला ये हेमनोप्टर ऑर्डर कितने अच्छे अच्छे होते हैं ठीक है और इसके जो लार्वा होते हैं उसे क्या कहते हैं बिल्कुल ग्रब कहते हैं ठीक है इसको ठीक कर लेना गुड इवनिंग संध्या गुड इवनिंग मनीष वेलकम टू द सेशन नेक्स्ट कोई बोल रहा था मैम हम आपको बहुत लाइक करते थैंक यू सो मच मेरी जो मैं पढ़ा रही हूं उसको भी लाइक करो है ना तभी जीवन में सफल हो पाओगे ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट कट्स द फूड आज तक हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट बाइटिंग एंड श्यूइंग एंड लैपिंग पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप स्पॉन्चिंग टाइप ये सब चीजें हम कर रहे थे और हमने बार बार कर करके रिविजन कर करके कर कर मतलब कर ही दिया जो भी करना था लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है और वो नया क्वेश्चन क्या है कि माउथ पार्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेबरम लेबियम मैंडिबल मैग्जिला तो जो फूड को कट करता है काटता है वो कौन है मैंडिबल है मैग्जिला है लेबियम है लेब्रम है चलो कोई बात नहीं इट्स ओके okay. हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को जब रिवीजन कराऊंगी तो सबका सही होना चाहिए क्योंकि अभी सबका आंसर गलत है द राइट आंसर इज मैक्सिला, ठीक है मैग्जिला बी आंसर सही है तो जो मैग्जिला होता है वो एक्सेसरी जो होता है वो थोड़ा सा कट कर देता है मतलब कटिंग के लिए यूज हो जाता है लेकिन जो बिल्कुल चबाने और क्रशिंग का काम होता है ना बिल्कुल वो होता है मैंडिबल का ठीक है कोई बात नहीं डिस्कस करते हैं मैं आपको बताया है आज तक मैंडिबल आर द ट्रू जॉज दे आर द प्राइमरी जॉज ठीक है एंड मैग्जिला आर द एक्सेसरी जॉज एक्सेसरी जॉज यानी सेकेंडरी जॉस ठीक है जैसे घड़ी है कड़ा है इयर है सब एक्सेसरीज ही तो है नहीं भी पहनूंगी तो चलेगा है ना तो मैग्जिला जो है वो फूड को कट कर देता है है ना जैसे आपने कट कर दिया एक बार खत्म बात बाकी जितना भी आ, क्रशिंग वर्शिंग होती है ग्राइंडिंग होती है अच्छे से उसको चबाना होता है वो सब कौन करता है मैंडिबल करता है ठीक है तो ये एक नया इंफॉर्मेशन है आपके लिए ठीक है इसको लिख लेना अपनी नोटबुक पे ओके यस yes. उसके बाद आता है लेबियम और लेब्रम ये लेबियम जो है ये एक्ट करता है लोअर लिप के जैसा और लेब्रम एक्ट करता है अपर लिप के जैसा लेबर अपर अपर लिप इज लेबर लेबियम जो होता है वो लोअर लिप अच्छा अगर आपके ये होंठ ही नहीं होते तो जो भी आप खाना खा रहे हो वो वापस से बाहर आने के चांसेस होते हैं क्योंकि आप जब ये मुंह बंद कर लेते हो फिर हम खाते हो तब अंदर जाता है फिलहाल है ना तो ये लेबियम और लेबरम क्या करते हैं इंसेक्ट में ये खाने को वापस से बाहर आने से रोकते हैं तो दे बोथ एक्ट एज लिप्स ऑफ द इंसेक्ट ठीक है प्राइमरी जॉस सेकेंडरी जॉस लोअर लिप अपर लिप इसके अलावा माउथ पार्ट एक और होता है दैट इज हाइपोफेरिंग्स ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइपोफेरिंग्स लिख देती हूं हाइपो ये हाइपो क्या होता है इट एक्ट एज अ टंग ऑफ द इंसेक्ट जैसे हमारी जीव होती है ना लिप्स होते हैं जीव होती है दांत जबड़े वैसे ही हाइपोफेरिंग्स इज द टंग ऑफ द इंसेक्ट तो हमारी टंग क्या करती है उसमें सलाइवा होता है वो हमारे जो खाना हम चबा रहे हैं उसको मिक्स करती है अच्छे से ताकि वो अंदर जा पाए सोचो अगर सलाइवा ही ना हो तो ये अंदर कैसे जाएगा ऐसे सूखा सूखा अटक नहीं जाता गले में फिर हम पानी पीते हैं तो ये टंग की तरह एक्ट करती है जो खाने को जो कटेड खाना है उसको मिक्स सा कर देती है ठीक है यस yes. सो so, यहां पर ये आपका हो गया कंप्लीट कट द फूड मेटीरियल मैग्जिला ग्राइंड और क्रशिंग द फूड मटेरियल आपका क्या हो जाएगा मैंडिबल अच्छा अगर पूछा जाएगा फोरगट का कौन सा पार्ट है जो ग्राइंड करता है, है ना तो वो है गीजर्ड ठीक है ऐसे में सोचना मैम ने बताया था जो पूरा चबाने वाला काम होता है वो तो मैंडिबल करता है ऑप्शन में तो मैंडिबल है ही नहीं ऑप्शन में तो तो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ दूस टू ग्राइंड द फूड तो जब आपका खाना चला गया जैसे कि आप कभी कभी फटाफट से चावल निगल जाते हो ना चबा के नहीं खाते खाना फिर भी तो वो पच जाता है अंदर वैसे ही इंसेक्ट कभी कभार पूरे तरीके से चबाते नहीं है सीधा निगल लेते हैं तो जो इंसेक्ट के अंदर का सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो पहले फेरिंग्स के थ्रू जाता है क्रॉप एक ऐसा पार्ट है जहां पर खाना स्टोर होता है फिर जब खाना स्टोर हो जाता है फिर क्रॉप के बाद गिजर्ड आता है उस गिजर्ड में खाना बिल्कुल ग्राइंड और क्रश होता है ठीक है यस प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटेशियस टाइप ऑफ एंटीने हैव लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे कभी कभी मैं खुद थ्योरी पोर्शन से क्वेश्चन बनाती हूँ ना तो कुछ भी लैंग्वेज हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव है ना have, ना हैव कि किसके पास होते हैं सिटेशियस टाइप या ऑफ द फॉलोइंग ऐसा कुछ भी खुद ही बनाया मैंने क्वेश्चन <laughs> चलो तो कई बार मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर एंटीने के ऊपर या तो टाइप से या तो सेगमेंट से सेगमेंट के क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं अब हम टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जल्दी से बता दो सिटेशियस <laughs> बिल्कुल डी इज द राइट आंसर ठीक है तो ए एंड बी होना चाहिए था आई थिंक ए एंड बी होना चाहिए था यस ए एंड बी होगा यहाँ पे ओके डी आंसर देखा नहीं फटाफट डी 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 किए जा रहे हैं है ना तो फिर अगर ए एंड डी होगा तभी आंसर होगा नहीं तो तो कॉकरोच और क्रिकेट में होते हैं ठीक है ठीके? आपको एक ट्रिक बताती हूं सी टेशियस का जो सी है उस सी को ऐसे लगा लो सी फॉर कॉकरोच और सी फॉर क्रिकेट बाकी जो ग्रास हॉपर है उसमें वो होते हैं फिली फॉर्म टाइप फिली फॉर्म यानी जो थ्रेड टाइप धागे धागे टाइप होते हैं थ्र, आ, थ्रेड लाइक ठीक है इसके अलावा सीता मैया को जो वो रावण आया था ना उड़न खटोले पे लेके अपहरण करने हाय कल दशहरा है हैप्पी दशहरा इन एडवांस ठीक है और दशहरे से ओके सो अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू और दशहरे पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ दशहरे के ऊपर तो जैसे जो रावण है ना वो सीता मैया को आया था ना कुटिया में वो उड़न खटोला लेके अपना और अभी जो आदि पुरुष मूवी आई थी उसमें जो रावण काइंड ऑफ सैफली खान बना था वो तो सच में ही ड्रैगन ही लेके आ गया था ऐसे भूत जैसा ड्रैगन लेके आ गया था तो याद रखना सीता मैया को कोई उड़ने वाली बड़ी सी चीज पे लेकर गए थे तो वो बड़ी सी चीज उड़न खटोले को आप ड्रैगन फ्लाई बोल दो तो जो ड्रैगन फ्लाई है और लीफ हॉपर है उसके जो एंटीने होते हैं वो भी क्या होते हैं सिटेशियस होते हैं इसके अलावा जो सिटेशियस का सी है उसको दो भागों में बांट लो सी फॉर कॉकरो सी फॉर क्रिकेट ठीक है ऐसे ही एग्जाम्पल याद करो जो समझाने वाली चीजें हैं वो समझाऊंगी और जो ये वाली चीजें हैं वो भी करूंगी आपको क्या करना है छह बजे उड़ान क्लास में आना है बस ठीक है ओके तो ऑब्वियसली आंसर डी है लेकिन बी कर लेना यहाँ पे बोथ बी ठीक है अगला साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स आर फाउंड इन लेग्सुडाटोरियल बोलते हैं स्ट्रीडुडाटोरियल बोलते हैं लेग्स उनको जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, आपने बारिशों में देखा होगा कि भाई बाहर से ना कुछ आवाज आ रही है टर जोर जोर से आवाजें आती है ना कौन आवाजें करता है वो बताओ किसमें होती है ये लेग्स <laughs> हाँ उड़न खटोला ट्रेन लेकर आया था अच्छा जी एस डी यादव बोल रहे हैं कि क्रिकेट इंसेक्ट का नाम भी होता है बिल्कुल आ, इट्स लाइक ग्रास हॉपर का छोटा भाई दोनों ऑर्थोप्टर ऑर्डर से ही होते हैं है, है ना Uh, तो ग्रास हॉपर जो होता है थोड़ा बड़ा सा हरा सा होता है क्रिकेट जो होता है थोड़ा छोटा होता है साइज में ब्राउन सा ऐसे रफ से कलर का होता है और यही जो क्रिकेट है यही जो क्रिकेट्स होते हैं ये साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स इसमें होती हैं ठीक है ये जो जी बहुत ट्रे ट्रे ट्रेडर ट्रे, ट्रे, ट्रे करते हैं ना वो ग्रास हॉपर नहीं क्रिकेट्स होते हैं वो ठीक है इनमें बहुत साउंड प्रोड्यूसिंग लेग्स होती है ओके okay. अः uh, फॉलोइंगेस्ट इनमें से कौन से पेस्ट है जो पॉली फेगस है यानी जिनका एक से ज्यादा प्रकार का खाना है जो एक से ज्यादा प्रकार के खाने पर जीते हैं क्रिकेट खेलने से साउंड प्रोड्यूस होगा हाँ अभी मैच देखा कल तो क्रिकेट में जब ऐसे कैमरा आता है तो कैसे आवाज निकालते वो है ना तो वैसा ही कुछ बिल्कुल ऑल ऑफ दी सही आंसर हो जाएगा वेरी नाइस ठीक है हाँ सारी स्वीट्स मेरे से ही मांगो कि मैम दशहरे की स्वीट्स कब खिलाओगी तुम कब खिलाओगे मुझे दशहरे की स्वीट्स है तुम नहीं खिला सकते मुझे मैं ही खिलाऊं तुम्हें सब कुछ हर कोई भी फंक्शन हो कोई भी हाम, हाम हो हम हम ही खिलाए आप खिलाओ कभी हमें कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया ये लो लड्डू खाओ लड्डू मत मतलाना अच्छी सी चीज लाना मतलब टेस्टी सी मजा ही आ जाएगा ठीक है ऑलवेज वेलकम पर सिलेक्शन लेके आना यहाँ पे ठीक है चलो साहिल बोल रहे मैम हमने आपका नाम पोस्टमार्टम वाली मैम रखा है <laughs> हाँ यार वो सीरीज शुरू करनी है मुझे हर इंसेक्ट का पोस्टमार्टम पर अभी टाइम नहीं लग रहा चलो और बीमार भी, भी हो गई थी मैं लास्ट वीक चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें ट्रेड नेम ऑफ डाइकोफोल इज ट्रेड नेम होता है जिस नाम से मार्केट में बिकता है तो ये जो डाइकोफोल है इसका ट्रेड नेम क्या होता है मार्केट में नंबर ए रॉगर नंबर बी दर्सबान नंबर सी कैल्थेन नंबर डी सेविन बताओ लाइक like तुमने अभी नहीं किया सेशन बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे जो सेशन देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे यार ऐसे मत करो गद्दार मत बनो कर दो यार सेशन लाइक वाराणसी आई थी मैं दिसंबर में आई थी लेकिन कॉन्फ्रेंस थी मेरी वहां पे बिल्कुल सी आंसर सही है कैरिसाइड है कैल्थिन इसका ट्रेड नेम होता है नेक्स्ट जाइलोस्टेला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑप्शन राइज मॉथ डायमंड बैक मॉथ या लीफ माइनर प्लुटेलाइलोस्टेला किसका साइंटिफिक नेम है बताओ जल्दी से <coughs> अच्छा मैं इसको पूरा रिवाइज करा दूंगी साइंटिफिक नेम फैमिलीज ट्रेड नेम ये जो चीजें हैं ये कौन कौन से हैं ये सब कुछ आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है आपको बस क्या करना है सेशन ज्वाइन करना है डेली ओके okay. सो so, यहां पर बिल्कुल सी डायमंड बैक मॉथ इज मॉथिस जाइलोस्टेला अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो एनपीबी होता है वो किसको कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है ऑप्शन आर ए हेलियोथिस हेलिकोवर्पा स्पोडॉप्ट्रा या ऑल ऑफ दिस बताओ ये जो आपका न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है ठीक है वो वायरस जो है वो डिफरेंट पेस्ट को कंट्रोल करने के यूज में आता है आपको बताना है कौन से पेस्ट को कंट्रोल करता है वो चलो ठीक है हां जी कोई ए लिख रहा है कोई बी लिख रहा है इन सबको करता है जो एनपीबी होते हैं उसके टू फॉर्म्स होते हैं एक होता है एस एनपीबी एक होता है एच ए ठीक है आपको पहले भी बता चुकी हूं एनपीबी के टू फॉर्म्स होते हैं एक होता है एच ए और एक होता है एस एन ठीक है अब एच ए जो है वो हेलिकोवर्पा जो कि हेलियोथिस ग्रुप का ही होता है उसको मैनेज करता है और जो एस एन पीवी है वो टोबैको कैटरपिलर यानी स्पोडोप्टरा लुटा को कंट्रोल करता है तो यहां पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा एनपीवी नेक्स्ट बडालिया बीटल इज अ बडालिया बीटल क्या है क्या एक प्रीडेटर है क्या एक पैरासिटाइड है क्या एक पैरासाइट है या एक सेप्रोफाइट है ये जो एग्जाम्पल होते ना कि ट्राइकोग्रामा क्या है है ना लेडी बर्ड बीटल क्या है बडालिया बीटल क्या है ये सब ड्रैगन फ्लाई क्या है इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपसे बहुत पूछ लिए जाते हैं तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है ठीक है ओके okay. जल्दी से बता दो क्या है ये यस वेरी नाइस रितेश आंसर आ चुका है शरद और रितेश का सही है साहिल का भी प्रिडेटर होता है बीटल ठीक है जो कॉटन कुशनी स्केल होता है ना उसके ऊपर ये फीड करता है छोटा सा जो कॉटन कुशनी स्केल होता है बटालिया बीटल उस पर फीड करता है और उसका नेचुरल एनिमी है ये उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प में आता है तो इट इज अ प्रिडेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एनिमी इनमें से कौन सा नेचुरल एनिमी कंसिडर नहीं होता ऑप्शन आर ए ट्राइकोग्रामा बी वेसिलस सी स्पोडोप्ट्रा डी एनबीबी यानी न्यूक्लियस पॉलीहेड्रोसिस वायरस बताओ 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 कौन सा नहीं है हम्म hmm. अच्छा आंसर इज़ भी बताऊ नेचुरल एनिमी नहीं है स्पोडोप्टरा तो पेस्ट है वो हमारी क्रॉप का एनिमी है नेचुरल एनिमी कौन होते हैं जो पेस्ट के एनिमी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली नेचुरल एनिमीज़ आर आर फ्रेंड है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो भाई ये जो ट्राइकोग्रामा है ये एग पैरासाइटोइड है वैसिलस इज अ बैक्टीरिया ठीक है ये एनपीबी इज अ वायरस और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पेस्ट को किल करने के हेल्प आते हैं तो ये पेस्ट के लिए दुश्मन है हमारे दोस्त है लेकिन स्पोडोप्टरा हमारा दुश्मन है क्योंकि ये हमारी टोबैको क्रॉप को डैमेज करता है तो ये दिस इज अ दुश्मन ठीक है चलो नाउ ट्रेड नेम ऑफ एलुमिनियम फॉस्फाइड इज एलुमिनियम फॉस्फाइड का ट्रेड नेम क्या होता है है ये एक और ऑप्शन है कैल्थेन थार और सेल्फेस तो कैल्थेन का हमने अभी पढ़ा ठीक है अभी आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का हुँ. हुँ. जल्दी जल्दी एलुमिनियम फॉस्फाइड मोस्ट कॉमनली यूज रोडेंटीसाइड बिल्कुल फॉस्फाइड का फॉस याद रखना है सेल्फॉस डी इज द राइट आंसर ट्रेड नेम क्या हो जाएगा सेल्फॉस ओके लॉसेज कॉज्ड बाय रोडेंट्स जो रोडेंट्स होते हैं रैट्स होते हैं वो जो लॉसेज कॉज करते हैं वो कितना परसेंटेज लॉसेज कॉज करते हैं ट्वेंटी परसेंट थर्टी थ्री परसेंट सिक्स टू एट परसेंट या वन टू टू परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट डैमेज तो इंसेक्ट कॉज करते हैं थर्टी थ्री परसेंट वीड्स कॉज करती हैं। <coughs> बचा हमारा एट या वन टू टू अच्छा रैट्स की पावर को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हाँ सिर्फ वन टू टू परसेंट करेंगे बिल्कुल भी नहीं सिक्स टू एट परसेंट जो है वो आपके रोडेंट्स यानी रैड्स जो हैं वो डैमेज लॉसेस कॉज करते हैं सो so, इंसेक्ट करते हैं ट्वेंटी परसेंट रोडेंट जो है वो सिक्स टू एट परसेंट करते हैं सो हियर द राइट आंसर इज सी ओके सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है सो लेट मी रिमाइंड यू द शहरा आ रहा है विजयदशमी है तो क्या मिलेगा आपको विजयदशमी के मौके पर अस्सी ऑफ मिलेगा हमारे किसी भी बैच में तो हमारे साथ जुड़ने के लिए पेड बैचेस में अभी सुनहरा मौका है क्योंकि अस्सी परसेंट ऑफ आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी यानी जो भी कोर्स आप लोगे आज या कल में उसमें आपको दो साल तक वो बैच मिलेगा ठीक है उस बैच में आपको क्या क्या मिलता है लाइव और रिकॉर्डेड यानी लाइव क्लासेस मिलेंगी और उन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन आप कितनी भी बार देख सकते हो ठीक है आपको नोट्स मिलेंगे इन नोट्स का पीडीएफ आप प्रिंट करवा सकते हो डाउनलोड कर सकते हो <laughs> आपको डाउट्स और डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाएगा टेलीग्राम में आप कभी भी हमसे डाउट पूछ सकते हो चाहे बैच खत्म हो गया हो चल रहा हो कभी भी कोई रिवीजन के टाइम डाउट आ रहा हो तो आप जो है वो कर सकते हो अब जब 80 परसेंट ऑफ और डबल वैलिडिटी आती है तो सबसे सही चांस रहता है एग्रीकल्चर महापैक को ग्रैब करने का एग्रीकल्चर महापैक को ग्रैब करने का अब ये एग्रीकल्चर महापैक क्या है 80% परसेंट ऑफ पे और दो साल के लिए आपको जब ये मिलेगा तो जितने भी बैचेस हैं चाहे वो जितने भी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी या एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे ए है एम एस एंट्रेंस है टी है आर है ठीक है या नबार्ड है अगले साल आएगा ना फिर से या इफ्को है या इसके अलावा कोई भी और बैचेस हैं वैकेंसीज है ये सब के बैचेस अनलिमिटेड बैचेस आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर महापैक में अगले आने वाले दो साल तक साथ ही साथ इसकी जितनी भी ई बुक्स हैं जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं जितनी भी हम नए मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज बनाएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे तो बेसिकली इट इज अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन फॉर यू ठीक है तो ये एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही, ही ज्यादा एक मतलब ऑसम awesome सा एक वो है चांस होता है कैसे आप इसमें एनरोल करोगे गूगल पे जाओ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिखो यहां पे इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ओपन करो साइट पे पहुंच जाओगे ऑल कोर्सेज पे जाना है ऑल कोर्सेज में जाके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है जैसे ही एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे ये हमारे सारे बैचेस हैं चाहे इफको है सी डब्ल्यू सी है आर ए है ए एफ ओ है नबार्ड है ओपीएससी है टी ए है एमएससी एंट्रेंस है एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्सेज हैं ये सब अगर आपको चाहिए तो ये मिलेंगे एग्रीकल्चर महापैक में ठीक है अगले साल जो हम ए एफ ओ के बैचेज लाएंगे वो भी आपको मिलेंगे ठीक है अब कैसे कर सकते हो ये हरा हरा एग्रीकल्चर महापैक है इस पे क्लिक करो बाय नाउ करो कूपन कोड लगाओ वाई सेवन एट वन अप्लाई कर दो इसको जैसे ही आप ये कोड लगाते हो आपको यहां पे दिख जाएगा लिखा हुआ एट्टी परसेंट ऑफ और सिक्स थ्री नाइन नाइन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा अब अगर आपको दो साल के लिए है ना सारे के सारे बैचेस मिल रहे हैं अप्रोक्स सिक्स थाउजेंड में तो दैट इज ओके क्योंकि आप कॉलेज में एक सेमेस्टर की सिर्फ छह महीने की चालीस पैंतालीस तीस इतनी इतनी फीस भरते हो तो छे हजार में जब आपको चार सेमेस्टर मिल रहे हैं काइंड kind ऑफ of, दो साल तो दैट इज वेरी नॉर्मल इसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे कोई और वैकेंसी बीच में आती है क्रिपको आता है या कुछ भी आता है तो आपको अलग से बैचेज या भागने की जरूरत नहीं है जब भी बैच आएगा आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या करना है सर्च करना है एप्लीकेशन पे अच्छा अगर आप फोन पे कर रहे हो है ना फोन से खरीद रहे हो लैपटॉप पे साइट पे नहीं जा रहे हो तो सीधा ही एप्लीकेशन खुल जाएगी उस एप्लीकेशन पे आपको जो भी एग्रीकल्चर महापैक सर्च करना है उस पर क्लिक करना है अब उसमें ऑटोमेटिकली कोड लगा होगा जिससे आपको एट्टी परसेंट नहीं मिलेगा तो उस कोड को पहले रिमूव करना है और उसकी जगह वाई सेवन एट वन ए लगाना है ठीक है तब आपको एटी परसेंट मिल जाएगा एक और बात इसको तभी लेना जब पढ़ना हो कुछ बच्चे बस ले लेते ले हैं और आते नहीं है क्लासेस में क्या फायदा है ना जिसको है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है कहीं पे सेटल होना है और आगे पढ़ना है सारी चीजें चाहे फाउंडेशन क्लियर करने अपने तभी इस बैच में एनरोल करना सेम अगर आपको सिर्फ ए में इंटरेस्ट है इफको विफ़को किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो ए का कोर्स भी कल से लॉन्च हो रहा है योद्धा करके ठीक है उसको भी सेम प्रोसीजर के साथ और सेम डिस्काउंट और सेम उसके प्रोसीजर के साथ आप एनरोल कर सकते हो ठीक है अब आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है और आपका सारा बैच वैच आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे अलग से टेस्ट सीरीज भी है ई बुक्स हैं मॉक टेस्ट हैं वो भी आप कर सकते हो और अगर कोई भी सीरीज आपको परचेज करनी है तो उसके डिस्काउंट के लिए वाई लगाइएगा ठीक है सीरीज के लिए एस लगाइएगा बैचेस के लिए ए लगाइएगा ओके सो okay. दैट्स so इट गप्पे वारा शुरू करेगा तुमने चलो हैप्पी दशहरा वंस अगेन बै टेक केयर कल क्लास होगी छह बजे आ जाना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए अच्छे से करना उसको ओके okay? बाय